हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने डीपी क्लासेस पर और मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बताइए। तो आज हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन चैप्टर्स, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे टर्म टू के लिए, CBSE प्लस ICSE बोर्ड के लिए। तो आज हम देखेंगे पूरा इंटीग्रेशन, लेकिन उससे पहले कुछ जान लेते हैं इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है? तो रेडी हैं आप? रेडी हैं तो जल्दी से लिख दीजिए सुपर डुपर रेडी, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लिख दीजिए, ठीक है? तो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जैसे कार, ऑटो रिक्शा, इनमें एक क्या होता है, नॉर्मल गियर्स तो देखे होंगे कि कहीं मान लीजिए हमको जाना है और कुछ उससे आगे निकल गए हैं, तो थोड़ा सा पीछे आने के लिए या तो यू टर्न लेंगे, वो थोड़ा सा लंबा पड़ता है, लॉन्ग पड़ता है, तो इसलिए उसमें क्या गिवन होता है, एक रिवर्स गियर, जिससे कि हम रिवर्स गियर की हेल्प से बैक आ सकते हैं और इजीली अपना काम कर सकते हैं, जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच सकते हैं। क्लियर है? ये पता होगा आप लोगों को रिवर्स गियर के बारे में। तो ठीक है, तो एक ऐसे ही रिवर्स गियर होता है कैलकुलस में। नॉर्मल किसी फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करते हैं वो होता है नॉर्मल गियर, और डिफरेंशिएशन से अगर हमें वापस फंक्शन की ओर जाना हो तो वो होता है हमारा रिवर्स गियर, दैट इज़ इंटीग्रेशन, ठीक है? तो आइए अब देखते हैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन पे कैसा क्या है ये हमारा, आइए देखते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं फिर इंटीग्रेशन, इंटी स्वरिंग देख लीजिएगा सही होगी आई थिंक, तो इंटीग्रेशन क्लियर। एंड राइटिंग पे थोड़ा सा खास कर ध्यान दीजिएगा, इसको अंडरलाइन मत कीजिएगा, ओके? ठीक है, तो सबसे पहले ये पता कर लें कि क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या है इंटीग्रल्स, क्या है। काफ़ी बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है इसमें कि इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन और इंटीग्रल्स में क्या डिफरेंस है। तो आइए पूरा देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको थोड़ा बेसिक बता देते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अक्सर आपने इस टाइप को देखा होगा कुछ फंक्शंस, क्लियर है? तो उसमें देख लेते हैं क्या क्या टर्म्स हैं, सबकी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। एक ये पार्ट देखना है हमें, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, क्लियर है? और वन मोर थिंग, एक चीज़ और देखना भी, क्या देखना है, इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, क्लियर है? एक इसको देखना है। तो ये फोर पार्ट्स होते हैं हमारे इस चैप्टर में इंटीग्रेशन में। तो सबसे पहले ये दिख रहा है एस टाइप का सांप जैसा कुछ दिख रहा है, तो ये क्या है, सिंबल है किस चीज़ के लिए, इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे डिफरेंशिएशन में लिखते थे डी ओवर डी एक्स, ऐसे इंटीग्रेशन को शो करने के लिए ये एस जैसा सिंबल इसको डिनोट करते हैं, क्लियर? देन एफ डेस एक्स, ये एक्चुअली क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा इंटीग्रैंड, क्या होता है, इंटीग्रैंड, बोलिए मेरे साथ, क्या होता है, इंटीग्रैंड, क्लियर? एफ डेस एक्स इट इज़ इंटीग्रैंड, डी एक्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा, जो फंक्शन है वो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है हमें, जो फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स किसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है, वो उसको शो करेगा, डी एक्स हो, डी वाई हो, जो भी हो, दैट मीन्स उसके रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन करना है। नाउ एफ एक्स क्या आता है, मीन्स रिजल्ट क्या होता है, इंटीग्रल्स। आई होप ये फोर टर्म्स क्लियर हो। तो ये क्या हो गया हमारा, सिंबल हो गया इंटीग्रेशन को डिनोट करने के लिए, ये हो गया इंटीग्रैंड। क्या आप ही बोलिए कमेंट बॉक्स में, लिखिए इंटीग्रैंड, जिसको हम इंटीग्रेशन करते हैं जिसका, ओके? एंड दैट डी एक्स कैसे करता है, किसके रिस्पेक्ट में करना है हमें इंटीग्रेशन, और जो रिजल्ट आता है, प्रोडक्ट आता है, डेट इज कॉल्ड इंटीग्रल्स। तो इसमें इंटीग्रेशन तो कहीं आया ही नहीं है, तो बताइए ये होता क्या है फिर, इंटीग्रेशन में सब कुछ देख लिया, इक्वल होता है क्या इंटीग्रेशन, नहीं इक्वल तो नहीं होता है, तो फिर क्या होता है इंटीग्रेशन। तो आइए देखते हैं इंटीग्रेशन क्या है। तो इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस टू इंटीग्रेट, ठीक है सर? एक्चुअली इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है इसको इंटीग्रेट करने का, इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने का, जिसका इंटीग्रेशन होकर हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल मिलेगा, एक इंटीग्रल्स नहीं इंटीग्रल मिलेगा, ओके? तो अब क्लियर है इतना, सिंबल इंटीग्रेंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किस रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इंटीग्रल, और इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस टू इंटीग्रेट, क्लियर है? आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। क्लियर है तो जल्दी से थम्सअप दिखा दीजिए कमेंट बॉक्स में, हो सके तो वीडियो पे भी थम्सअप करके दिखा दीजिए, ऑड नंबर्स में करिएगा, इवन में मत करिएगा, क्लियर है? तो इतना क्लियर है, तो आप चाहे तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज़ फिर आगे चलते हैं। चलिए उसको रफ कर देते हैं।
ठीक है ना। इसके आगे देख लेते हैं अब इसका थोड़ा सा और पार्ट, फिर इसको देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है इसका। कॉन्सेप्ट चल रहा है एक्चुअली, इंट्रो ही चल रहा है अभी इसका, ठीक है ना। जैसे अब पहले बेसिक बता रहा हूँ मैं, जैसे हम मान लीजिए एक फंक्शन गिवन होता है हमें एफ ओफ एक्स, जब इसका डिफरेंशिएशन करते थे दैट मीन्स डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, तो हमें क्या मिलता था भाई, एफ डैश एक्स। क्लियर है, मिलता था ये कुछ, क्लियर है ठीक है। तो अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे एफ डैश एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो ये हमें क्या देगा, एफ एक्स। मतलब पूरा रिवर्स में चल रहा है, ये यूं और ये यूं, क्लियर है, यूं यूं ऐसा है कुछ, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं बोलो, क्लियर होगा आई होप। चलिए इसको भी रफ कर देते हैं भाई, तो आगे चलते हैं। क्लियर ना, देखिए ये मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, ये एक्स की पावर एन डी एक्स, क्लियर। दैट मीन्स एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन में होती थी एक पावर डिक्रीज, इसमें क्या होगी, एक पावर हमारी इंक्रीज, क्लियर। ओ सॉरी, इंक्रीज, अरे भैया हो जा, क्लियर, एन प्लस वन। और उसमें क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद जो पावर हमारी बचती थी वो आगे भी आती थी, दैट मीन्स यहाँ पर थोड़ा सा आप बेसिक देख लीजिए, ऐसे एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो क्या होता था, टू आगे आएगा एक्स और टू माइनस वन, यही होता था ना। तो उसको ज़रा कंपेयर करेंगे, यहाँ पर पावर क्या हुई, एक सब्ट्रैक्ट हुई, यहाँ पर पावर क्या हुई, एक ऐड हुई। यहाँ पर जो पावर थी वो आगे आती थी, मीन्स कोफिशेंट जो पावर होगी वो एज अ कोफिशेंट फॉर्म करेगी, और इसमें जो इंटीग्रेशन करने के बाद पावर फॉर्म हो रही है वो कहाँ आएगी, डिनोमिनेटर में, क्लियर है। यहाँ पर वही पावर आती थी आगे जो कि ऑलरेडी गिवन थी, बट इसमें इंटीग्रेटर की पावर आती है डिनोमिनेटर में, यहाँ आती थी न्यूमिनेटर में। तो ये बेसिक डिफरेंस जरूर देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले इंटीग्रेशन में पावर एक ऐड होगी और डिनोमिनेटर में वही सेम पावर आ जाएगी एज इट इज़, एंड यहाँ पर क्या था, पावर आगे आती है और एक पावर डिक्रीज हो जाती थी, क्लियर है। ओके ना, तो इसको रफ कर देते हैं ठीक है। अभी बताइए कि ये कंप्लीट है कि कुछ इसमें मिसिंग है, जल्दी से बताइए ये पूरा कंप्लीट है या मिसिंग है, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि मिसिंग है कि क्लियर कंप्लीट है ये, क्लियर। मान लीजिए ये फंक्शन लिया मैंने 2x प्लस 1, वी हैव टू डिफरेंशिएट इट, क्लियर। तो इसका डिफरेंशिएशन जल्दी से बता दीजिए बिना टाइम वेस्ट किए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस 1 का, ये 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x का 2, 1 का 0, तो दैट मीन्स ओनली 2 हो गया डिफरेंशिएशन, क्लियर है। बट इफ़ वी इंटीग्रेट 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमें क्या देगा, कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, क्लियर है इतना पार्ट। दैट मीन्स जब डिफरेंशिएशन किया हमने 2x प्लस 1 का तो हमें मिला 2, और 2 का इंटीग्रेशन किया तब मिला ओनली 2x, तो ये 1 कहाँ गया, 1 तो है ही नहीं है भाई इसमें। दैट मीन्स इंटीग्रेशन करने में एक कॉन्स्टेंट मिसिंग रहता है, हो सकता है वो कॉन्स्टेंट 0 हो सकता है कोई इसकी पर्टिकुलर एक वैल्यू हो, तो उसके लिए क्या कर देते हैं, एक प्लस सी, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, मैं लिख देता हूँ, कन्फ्यूज मत होइएगा आप, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, क्लियर। ये किसको शो करता है, हो सकता कोई एक कॉन्स्टेंट हो, दैट विल बी 0 और एनी वैल्यू, आई होप क्लियर है ये। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से एक पहले, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इंटीग्रेशन का क्या है पूरा रोल, और कैसे क्या ये यूज़ होता है, किस टाइप से इसको करेंगे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पूरा देखते हैं बेसिक से। वीडियो छोड़ के मत जाइएगा बस, अगर आप गए तो फिर कॉन्सेप्ट भी चला जाएगा। तो आइए देखते हैं पहले सभी वन बाय वन करके बेसिक्स इंटीग्रेशन क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ एक्स की पावर एन डी एक्स, कुछ नहीं करना है, जो भी फंक्शन गिवन होगा हमें उसमें पावर को एक इंक्रीज करेंगे, और वही इंक्रीज पावर डिनोमीटर में आएगी साथ में प्लस सी, क्लियर। ये तो नॉर्मल एक्स था, लीनियर फॉर्म में था, मीन्स एक्स का ये फंक्शन, पावर कुछ भी हो सकती है, अगर कुछ इस टाइप पे आ जाए ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन डी एक्स, क्लियर। पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये करना है क्या, पावर को एक इंक्रीज करके लिखेंगे ए एक्स प्लस बी की होल पावर
एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। थोड़ा सा याद करिए डिफ्रेंशिएशन का, डिफ्रेंशिएशन में जब एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते थे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर फर्दर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते थे और वो आ जाता था हमारा मल्टीप्लीकेशन में। बट यहाँ पर होता है इसका जस्ट अपोजिट, रिवर्स चल रहा है। इसलिए तो ए एक्स प्लस बी का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए एक्स का ए आएगा, बी का जीरो, तो ए एक्स का ए तो वो आ जाएगा कहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर में। उसमें आता था मल्टीप्लीकेशन में या न्यूमिनेटर में, यहाँ पर आता है डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। क्लियर है? क्लियर है तो जल्दी से लिख दीजिए क्लियर क्लियर क्लियर। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी। यहाँ तक क्लियर है? और भाई ये तो रहेगा प्लस सी, ठीक। प्लस सी सभी में मैंडेटरी है, ये आएगा ही आएगा फॉर इनडेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर पता नहीं है क्या है। मीन्स इस इंटीग्रेशन की कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, एक्स के टर्म में रहता है फंक्शन, इसलिए कांस्टेंट भी लगाते हैं इसमें, दैट इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सी से डिनोट करते हैं इसको। क्लियर? और पूरे इंटीग्रेशन के रिजल्टेंट में ओनली एक ही कांस्टेंट रहेगा। मान लीजिए जैसे कि कैसे समझाएं आपको, देख लीजिए। अरे भाई क्या बन गया, ये मैंने इंटीग्रेशन लगाया, ये 2x प्लस ओनली, चलिए 2x स्क्वायर प्लस 2x ले लेते हैं, 2x ले लें। रुकिए रुकिए, इसमें एक्चुअली वन मिनट, ये आपको इसमें थोड़ा क्लियर कम होगा, वो एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट है तो उसमें और क्लियर अच्छे से हो जाएगा। अभी इतना याद रखिए कि इंटीग्रेशन आएगा नॉर्मली और प्लस सी आना है। क्लियर? यू के नॉर्मल एक्स पावर एन डी एक्स, ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स के लिए। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा, ये तो हो गया बेसिक वाला पार्ट। अब अगर हमारा इस टाइप से लिखो ए की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन अगेन एज इट इज, ए की पावर एक्स की, ए की पावर एक्स ही रहेगा प्लस सी। अगर पावर में एक्स की प्लेस पर और कुछ होगा तो उसका डिफरेंशिएशन होगा, वो डिवाइड में आएगा। पावर में अगर एक्स के साथ कुछ और होगा, कोई फंक्शन होगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, ए की पावर 2x dx। क्लियर? तो हो जाएगा ए की पावर 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2 डिवाइड में प्लस सी, इस टाइप से कहना चाह रहा हूँ मैं। क्लियर है? अगर x की प्लेस पर कुछ और पार्ट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन भी डिनोमिनेटर में आएगा। क्लियर क्लियर, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं ये वाली प्रॉपर्टी, ये बस याद कर लीजिएगा, चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ए की पावर एक्स डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन में भी सेम होता था, ए की पावर एक्स की पावर एक्स, और इंटीग्रेशन में भी सेम होता है ए की पावर एक्स की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस सी। क्लियर? ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस सी, और ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, ए की पावर एक्स लॉग ए। आई होप क्लियर है ये प्रॉपर्टी। और यहाँ पर भी सेम, अगर एक्स के साथ कोई फंक्शन होगा तो उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, वन अपॉन एक्स का करते हैं, डी एक्स इक्वल्स टू किसका होता है ये डिफरेंशिएशन, याद है कुछ, किसका डिफरेंशिएशन होता है, वन अपॉन एक्स, याद होगा ये तो पढ़ा है, ठीक है। वन अपॉन एक्स होता है लॉग एक्स का, लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स। ओके, वी हैव टू ओनली रिवर्स द प्रोसेस फॉर दिस। अगर आपको इंटीग्रेशन याद नहीं होगा तो डिफरेंशिएशन याद रखना कि किसका डिफरेंशिएशन होता है, जिसका डिफरेंशिएशन होता है तो वो इंटीग्रेशन हो जाएगा उसका। नहीं समझे? नहीं सर, फिर समझो। अरे जैसे मान लीजिए ये हमें नहीं पता इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, क्लियर है, तो भाई ये तो पता होगा कि ये किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो फिर वो थोड़ा सोचना पड़ेगा अब आपको। एस एस का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो एन प्लस वन आ जाएगा, फिर एन प्लस वन माइनस वन हो जाएगा, वन से वन कैंसिल आउट, और एन प्लस वन से एन प्लस वन, तो ओनली क्या बचेगा, एक्स प्लस वन। तो रिवर्स में भी करके आप कर सकते हैं। क्लियर है? ये मैंने अभी फाइव प्रॉपर्टीज लिखे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए रफ कर देते हैं इसको, आगे देखते हैं भाई थोड़ा सा और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसमें। भाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं तो नोट जरूर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लें या नोट करें, नोट्स बनाए, कुछ भी करें अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा यूज़ होगा अभी आगे। ठीक है ना,
अब हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलेस देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा साइन एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस एक्स का, जब तक आप डिफ्रेंसिएशन इसकी रिवाइज कर लीजिए अपने मन में ही, ध्यान करिए भाई सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफ्रेंशिएशन का, ठीक है। फिर इसके भी लिख लेते हैं हम इंटीग्रेशन फंक्शंस क्या होते हैं, क्लियर। टेन एक्स के लिए देन कोजेक एक्स के लिए देन सेक एक्स के लिए देन कॉट एक्स के लिए, क्लियर। अच्छा ही तो होते हैं, है ना। बताते जाना भाई, कहीं पे गलती हो जाए, गलती से मिस्टेक हो जाए तो उसको सुधार लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन एक्स का डिफरेंश इंटीग्रेशन करना है, तो साइन एक्स किसका होता है हमारा डिफरेंशिएशन पता है, किसका होता है कॉज एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का ही हो जाएगा माइनस का कॉज एक्स, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्लस सी। ये मत भूलना, ये भूलोगे मार्क्स कटेंगे सर इसके, मत करना ऐसी गलती इसको लिखने की, ना लिखने की, इसको लिखना ही है। कॉज एक्स किसका होता था डिफरेंशिएशन साइन एक्स का, तो कॉज एक्स का साइन एक्स, ठीक है सर, हो जाएगा ये भी। टेन एक्स का, बट सर ये चार थोड़े से डिफरेंट है, इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लिएगा। टेन एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी, टेन एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस सी, कोजेक एक्स का लॉग लॉग मॉड कोजेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, क्लियर। नाउ सेक एक्स का लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, एंड लास्ट कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स, क्लियर। मैंने छः के छः लिखवा दिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। साइन एक्स का माइनस कोज एक्स, कोज एक्स का साइन एक्स, टेन एक्स का लॉग सेक एक्स, कोजेक एक्स का लॉग कोजेक एक्स माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स का लॉग सेक एक्स टेन एक्स, कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स, क्लियर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और ये नहीं कि भाई होली आ रही है तो पढ़ो नहीं, होली आ रही है तो होली भी इंजॉय करिए, पढ़ती रही भी साथ में, एग्जाम भी आ रहे हैं नहीं तो फिर एग्जाम पे याद आएगी होली, क्लियर है। तो दोनों साथ साथ में चलते जाइए, पढ़ाई भी और मस्ती भी, क्लियर है भाई। होली से एक बात याद आई है मुझे कि ऐप पे अभी ऑफर डिस्काउंट चल रहा है 50% का सभी कोर्सेज पर, अगर आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। ये हमारा कब तक है, 20 मार्च तक। अगर आपको किसी भी 9th, 10th, 11th, 12th, आप तो 12th में, तो 12th के लिए 2 मंथ्स का चल रहा है हमारा टर्म 2 के सिलेबस के लिए, तो आप उस पर 50% ऑफ ले सकते हैं, और वो भी बहुत ही सस्ते प्राइसेस पर, चीप प्राइसेस पर है। और अगर किसी 9th, 10th, 11th, 12th का कोई आपका साथी हो, रिलेटिव हो, भाई बंधु हो, तो उसको भी रिकमेंड कर सकते हैं, और कंटिन्यू करिए, ले लीजिए जल्दी स्क्रीनशॉट, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलेस। आई होप ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, नोट्स भी बनाते रहिएगा साथ में, क्लियर। इसको रफ कर देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले क्या है, ये हो गए ट्रिग्नोमेट्री के। अब कुछ इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस भी होते हैं, उनको भी जरा भाई देख लेते हैं क्या होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले होता है हमारा किसका होता है सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन नेक्स्ट कोजेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन देन कोजेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, क्लियर है। ये 4 इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज ही यूज हो जाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड सही इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में, सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था, मैं कह रहा हूँ अगर आपको इंटीग्रेशन याद नहीं हो रहा है तो डिफरेंशिएशन तो करिए कम से कम याद, क्लियर है। तो सेक स्क्वायर एक्स किसका होता था डिफरेंशिएशन टेन एक्स का, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी, सॉरी अरे यार ये सी को क्या हो जाता, क्लियर अब सही है। सेक एक्स टेन एक्स किसका होता था डिफरेंशिएशन
किसका होता था डिफरेंशिएशन, sec x tan x, ये होता था sec x का, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका sec x. कोजेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता था, किसका डिफरेंशिएशन होता था, कोजेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था, एक्चुअली कॉट एक्स का होता था माइनस कोजेक स्क्वायर एक्स, तो कोजेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स प्लस सी. एंड एट लास्ट कोजेक एक्स कॉट एक्स किसका होता था डिफरेंशिएशन, कोजेक एक्स का होता था माइनस कोजेक एक्स कॉट एक्स, तो उसका हो जाएगा माइनस का कोजेक एक्स. आई होप क्लियर है सभी, मैंने लिख दिए स्टैंडर्ड वाले हैं ये हमारे चार के चार, इनको अच्छे से देख लीजिए. sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी, sec टेन एक्स का इंटीग्रेशन sec एक्स प्लस सी, कोजेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी, कोजेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोजेक एक्स प्लस सी. क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से. ठीक, चलिए तो उसको रफ कर देते हैं और फिर आप करते हैं कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस, वही तीन लेवल्स रही हैं हमारे, पता होगा आपको. अरे आपको मैंने बताया नहीं अभी, चलो मैं बता देता हूँ एक मिनट रुकिए. मैंने एक्चुअली 10th क्लास के लिए बताया था, आपको भी बता देते हैं, एक मिनट रुकिए बस. ठीक है, हमारे चैप्टर का क्या रहता है पैटर्न, फिर से आप भी देख लीजिए. सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्लियर कॉन्सेप्ट मैं बताई देता, देन फॉर्मूलेस, फॉर्मूले वो भी मैंने आपको भी बता दिया है, देन क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, क्लियर, देन होमवर्क भी मिलेगा. होमवर्क करोगे कि नहीं, कि अपनी ही हैबिट होमवर्क की, बचपन में कहते थे सर वो तुम होमवर्क है ना, नहीं भाई थोड़ा होमवर्क, कुछ क्वेश्चन दे दिया करेंगे होमवर्क के लिए. और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैस करिए क्या हो सकता है, भाई कॉन्सेप्ट हो गया, फॉर्मूले हो गया, क्वेश्चन लगा लिए, होमवर्क भी कर लिया, आप एक ही चीज़ रखिए दैट इज़ टेस्ट. ठीक है, तो टेस्ट भी लेते हैं, लेंगे मतलब, तो उसमें से भी कॉन्सेप्ट हो गया, फॉर्मूलेज हो गए, क्वेश्चंस करते हैं, फिर कुछ होमवर्क में आप करिएगा, कमेंट में उसके आंसर दीजिएगा, फिर उसको कल डिस्कस करेंगे. क्लियर है, तो ये चलेगा हमारा पैटर्न सभी चैप्टर्स के लिए मेनली, क्लियर, तो उसको रफ कर देते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं कुछ. और क्वेश्चंस भी हमारे थ्री लेवल्स में रहते हैं, ईजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट. क्लियर है, तीन लेवल्स में लेंगे, पहले छोटे छोटे से बच्चों बच्चों से, उसके बाद थोड़ा मीडियम, देन डिफिकल्ट लेवल के. रेडी हैं करने के लिए कि नहीं बताइए, रेडी होंगे आई थिंक आप लोग, रेडी हैं कि नहीं हैं, रेडी हैं तो लिख दीजिए सर, सुपर डुपर रेडी, सुपर डुपर रेडी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए. ठीक है भाई, तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं. नंबर वन, ए एक्स प्लस बी की पावर टू. ठीक है, एक मिनट दे रहा हूँ मैं, आप लोग जल्दी से इसको ट्राई करके कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिए आंसर इसका, एक मिनट में जल्दी से, फिर मैं कराता हूँ इसको, जल्दी से करिए. क्या हुआ, नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो चलिए देख लीजिए, चलिए देखते हैं. ए एक्स प्लस बी की होल पावर टू इंटीग्रेशन करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द फंक्शन एज इट इज ए एक्स प्लस बी, क्लियर. आफ्टर दैट पावर में इंक्रीज करना है वन से, तो टू प्लस वन, और वही सेम पावर कहाँ आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी, वेरी गुड. एंड साथ में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो आता है डिवाइड में, दैट इज डिनोमिनेटर में, तो ए एक्स प्लस बी का करेंगे, ए एक्स का ए, बी का जीरो, तो ए आएगा हमारा डिवाइड में, और साथ में प्लस सी. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको मत भूलिएगा, मार्क्स कटते हैं इसके अगर आप नहीं लिखोगे तो. क्लियर है, तो वन अपॉन ए एज इट इज ए एक्स प्लस बी की पावर थ्री वाई थ्री प्लस सी. क्लियर है, नन्ना मुन्ना सा था क्वेश्चन, जल्दी से हो गया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं. आई होप क्लियर होगा आपको, सिंपल क्वेश्चन है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मैं तो अभी जितने करा पाऊंगा तो कराऊंगा, आप भी ट्राई करती रहिएगा, नहीं आए तो डाउट में ले लेते हैं उसको. नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx. क्लियर, ट्रिग्नोमेट्री का टर्म का है हमारे ये फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसका इंटीग्रेशन करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल साइन 2x का क्या होता है इंटीग्रेशन, नहीं है याद, कोई नहीं, डिफरेंशिएशन तो याद होगा. साइन x किसका होता है डिफरेंशिएशन, साइन x, अच्छा कॉस x का होता है माइनस साइन x, तो सही, तो साइन x है तो इसका माइनस कॉस x हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया है. तो माइनस का कॉस 2x, भाई एंगल अगर x होता तो
तो यहाँ पर एक्स आता तो रेज इट इज़ ख़त्म। ठीक ना, यहाँ पर है 2x, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और वो आएगा डिवाइड में प्लस सी। वाह ख़त्म, टाटा बाय बाय, कितना सिंपल है भाई, जल्दी से देख लीजिए कुछ नहीं है इसमें। साइन 2x था, साइन 2x का हो जाता है माइनस कॉस 2x, और 2x का डिफ्रेंशिएशन किया 2, डिनोमिनेटर में आएगा प्लस सी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो उड़ा दोगे आप, धुआं धुआं कर दोगे ऐसे क्वेश्चन में तो। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपली इतना भी नहीं है, मतलब घर आ जाएँ आप, चले जाएँ यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट साइन 3x माइनस 4 ए की पावर 3x, और भाई क्या लिख रहा है ये दिख ही नहीं रहा है। हाँ ठीक, तो भाई फंक्शन क्या है, साइन 3x माइनस 4 ए की पावर 3x का इंटीग्रेशन करना है, क्या होगा x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, साइन का तो अभी जस्ट देखा है, वो सेम रहेगा एज इट इज़, तो जाएगा माइनस का कॉस 3x अपॉन 3 माइनस 4 मल्टीप्लीकेशन में, तो एज इट रहेगा हमारा ये e की पावर 3x, तो e की पावर 3x का बताया था, e की पावर 3x का, e की पावर 3x एज इट इज़, साथ में पावर का डिफरेंशिएशन डिवाइड में 3x का डिफरेंशिएशन 3 प्लस सी। अरे क्या सर, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन करा रहे हैं, कोई अच्छा कराइए, रुको चलो रुको, कराते हैं वो भी कराएंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप तो ये बताइए बस, मज़ा आना चाहिए है ना, पढ़ाई भी और मज़े भी होते रहें। नेक्स्ट आप किसका करते हैं, देखिए 20 का डिफरेंश इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। 20 का, इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा सर हमने तो, फिर 20 का करना है तो ये आप देखिए 20 है हमारा, 20 का एक कॉन्स्टेंट नंबर है, तो किसका डिफरेंशिएशन करने पे कॉन्स्टेंट मिलता था, कोई एक एक्स की पावर जिसमें 1 होती थी, मीन्स लीनियर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर कॉन्स्टेंट मिलता था, तो उसमें ओनली क्या होता है, कभी भी कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन करना है तो उसमें ओनली एक्स का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। क्लियर है, तो वही याद रखिएगा, कॉन्स्टेंट का मिसा इंटीग्रेशन में ओनली एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा और एज इट इज रहेगा पूरा कॉन्स्टेंट नंबर। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, अब कुछ मॉडरेट लेवल के कर लेते हैं, वही एक आध क्वेश्चन, ये तो बहुत होगा छोटे मोटे क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे आपको मिल सकते हैं मुश्किल है, 1-1 मार्क्स में मिल सकते हैं देखने को, लॉन्ग में तो सोचिए होगा मत इसका। ठीक है, फोर्थ है ना, फिफ्थ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के लिए है, इंटीग्रेशन करना है आप ट्राई करिए जल्दी से, पहले एक मिनट में फिर मैं कराता हूँ इसको, अगर नहीं आता है आपको। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, जल्दी से ट्राई करिए। और आप लोगों की कैसी चल रही है पढ़ाई, सही चल रही है कि नहीं, सही चलना चाहिए भाई है ना, तो चलिए देख लेते हैं इसको। आई होप किसी किसी ने कर भी लिया है, काफ़ी ने कर लिया होगा, और जिसने नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, बताएंगे हम किस लिए हैं इधर। ठीक है, तो सबसे पहले अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक्स स्क्वायर को, दैट मीन्स सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर, तो अगेन एज इट इज़ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। क्लियर, इनको एज अ 1 फंक्शन भी कर सकते हैं और सेपरेट करके भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। क्लियर, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर 3 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 माइनस कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट के लिए अभी जस्ट बताया मैंने क्या होता है कॉन्स्टेंट का, इसमें ओनली एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू एक्स ओनली एक्स लिखेंगे। अब ये बताइए कि प्लस सी आएगा कि प्लस 2 सी आएंगे दोनों के लिए, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि सी लिखें या 2 सी लिखें कि और कुछ लिखें, जल्दी से बताइए क्या आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चाहे इतने फंक्शंस हो लास्ट में ओनली सिंगल सी ही आता है, क्योंकि सभी कॉन्स्टेंट को एक सिंगल सी ही डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन सिंपल था, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, सिंप्लीफाई किया एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज़ कैंसिल आउट 1, इसको सिंपली सेपरेट कर लिया है और सेपरेटली इंटीग्रेट करके प्लस सी आ गया है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, मैं थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं हम,
तो देखिएगा आप, घबराइएगा मत, है ना, खतरों के खिलाड़ी हैं अपन तो भाई, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे आगे तक, नहीं तो कैसे चलेगा काम, है ना। नेक्स्ट, सिक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 3xy(x²dx). क्लियर है भाई, डर तो नहीं लग रहा है, सिंपल है। चलिए, x² से पहले सेपरेटली डिवाइड करेंगे, x³/x² प्लस 4x² / x² प्लस 3x/x² ब्रैकेट में देन dx। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x³/x² क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 4x² / x² कैंसिल आउट, ओनली 4 प्लस x² / x² एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/x dx। क्लियर, ओके। नाउ एक्स का क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, सेपरेट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। x²/2 प्लस 4 कॉन्स्टेंट है तो 4x हो जाएगा। अभी देखिए, 3/x, तो अगर 3 को एज इट इज लिखते हैं तो क्या बचेगा, 1/x, और 1/x का क्या होता है, मैंने बताया अभी लॉग एक्स फॉर्मूलेज में बताया था आपको, और प्लस सी, तो भी कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्या देखा आपने, एक चीज़ नोटिस की होगी कि अगर फंक्शन ऑलरेडी सेपरेट हैं तो नॉर्मल इंटीग्रेशन हो जाएगा, बट अगर फंक्शंस क्या कहते हैं, प्रोडक्ट में हो या डिवीजन में हो, डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो, तो क्या करना पड़ेगा, पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देन उसको इंटीग्रेट करेंगे। ये याद रखना कि आप फंक्शंस हमारे मल्टीप्लीकेशन में गिवेन हो या फिर डिवीजन में गिवेन हो, तो इंटीग्रेशन नहीं होगा उसका, कब, जब मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में गिवेन हो, तो उसको पहले सिंप्लीफाई करके सेपरेट करेंगे स्टेप्स जैसे मैंने किया है, देन इंटीग्रेशन होगा। क्लियर है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख दीजिए, क्लियर 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 क्लियर। ठीक है, तो आप, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा उसको, अभी क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको होमवर्क में, उसका कमेंट करके ज़रूर आंसर दीजिएगा, फिर इसके आगे बाकी क्वेश्चंस को कल ट्राई करते हैं, ठीक है। और फॉर्मूले भी देख लेंगे जो भी रह गए हैं अभी, और अभी तो स्टार्टिंग ही है, फॉर्मूले तो काफ़ी सारे हैं। ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन लिख लीजिए इसको, इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर dx, इसका होमवर्क में देना है आपको जवाब, कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में। क्लियर है, दीजिएगा जरूर, तभी समझ में आएगा मुझे कि आप भी साथ में पढ़ रहे हैं कि नहीं। क्लियर, तो इसका जरूर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सिंपली क्वेश्चन है, इतना कोई है नहीं इशू इसमें, सिंपल है, नहीं होगा तो मैं कल इसको एक्सप्लेन करूँगा पूरे स्टेप बाय स्टेप। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में बेस्ट रहें। थैंक यू, जय हिंद।